फ्रेंड कपिता शो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और थैंक्स मेरे उन सारे सब्सक्राइबर को जो मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक करें और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से उन सारे मेरे प्रीतास परिवार को ढेरों सारा प्यार। तो फ्रेंड आज मैं आपको लेकर आई हूँ ब्यूटी सेक्शन से। मैं आपको ये बताने वाली थी कि आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक फेस मास्क और एक फेस उपटन। तो मैं आपको आज रिव्यू देने वाली हूँ कि ये दोनों किस तरीके से फेस पे वर्क करते हैं, और ये दोनों मैंने यूज कर रखा है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने अपना रिव्यू दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज से क्या फायदा होते हैं फ्रेंड। तो पूरा वीडियो देखें और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड पहला मैं आपको बताने वाली हूँ ये हिमालया का फेस वॉक। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है और इसके कंपेयर में मैं आपको लाई हूँ ममा अर्थ के जो है डेली फेस उपटन। और ये जो होता है फेस वॉश है और ये हल्दी के साथ है, टर्मरिक के साथ है, और ये आपका है केसर फेस पैक है, नेचुरल ग्लो है। तो ये दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या इनका परफॉर्मेंस है, मैं आज ये सारा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड। तो जहाँ तक मैं अभी बात कर रही हूँ हिमालया फेस वॉश का जो केसर और टर्मरिक के साथ है, फेस ग्लो है और डीप क्लींजिंग है, तो ये आपको फेस मास्क है, इसे आप यूज कर सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ कि फेस पे आप जैसे कि फेस मसाज किए तब आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल भी अगर मान लो कि आपको पैक बनाने की फुर्सत नहीं है और आपको लग रहा है कि आपके स्किन डल हो गए हैं तो उस केस में आप इसे लगा लो, काफी अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। मैं इसे लगातार यूज कर रही हूँ फ्रेंड और मेरा विश्वास करो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। हिमालय का प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं कि काफी अच्छा होता है फ्रेंड, कि ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है आप लोगों को कि ये काफी अच्छा है और इसे आप 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पर रहने दें और उसके बाद ठंडे पानी से धो ले, काफी अच्छा ग्लो आता है। और साथ में आपके इसमें हल्दी और टर्मरिक है, टर्मरिक और केसर है, तो ये भी आपके फेस के लिए काफी फायदेमंद होता है। केसर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और हल्दी तो आप जान रहे हैं कि वो एंटीसेप्टिक है और स्किन के ग्लो में हल्दी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो फ्रेंड अब बढ़ते हैं ममा अर्थ फेस वॉश के रिव्यू की ओर। तो ममा अर्थ फेस वॉश जो है ये काफी अच्छा है और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रब के इसमें स्क्रब भी है, आप जब इसे नहाने वक्त अगर आप लगाना चाहते हो या मार्केट जा रहे जाना कहीं भी बाहर जाने वक्त आप इसे लगाना चाहते हो तो आपका ये फेस वॉश के साथ साथ फेस स्क्रब भी करता है और इसे इसमें टर्मरिक है और ये मेरे अनुसार ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। जब भी मैं तो इसे अपने वॉशरूम में हमेशा रखती हूँ और जब नहाने वक्त तो मैं इसे साफ करती हूँ अपने फेस को, और इसे पर डे यूज करने पे भी कोई भी नुकसान नहीं है और काफी अच्छा आपके मतलब डेड स्किन काफी जल्दी हटते हैं क्योंकि इसमें स्क्रब भी है तो आपको काफी अच्छा है। अगर आप ये लेने का सोच रहे हो तो आप ये भी ले सकते हो। और इस तरीके के फेस पैक फेस वॉश रखने चाहिए फ्रेंड घर में, कभी आप हो सकता है कि घर में आप काफी बिजी हो, जल्दी जल्दी आपको कहीं मार्केट निकलना हो तो उस केस में इस तरीके के इन दोनों तरीके के जो आपके फेस वॉश और फेस मास्क रहते हैं तो आप इमीडिएटली अपने फेस को ग्लो अप कर सकते हो। और आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना हो तो आपको उसके लिए ब्यूटी सलून जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप मेरी सलाह मानो तो आप ये दोनों अपने घर में रखो, दोनों का अपना अलग अलग क्वालिटी है और आप जब भी चाहो दोनों में मेरा अगर आप सलाह मानो, मेरी अगर सलाह मानते हो तो ये दोनों आपको सारे जितनी भी महिलाएं हैं उनके पास होने चाहिए। और मैं आज आप दोनों इन दोनों का कंपेयर करके भी बता रही हूँ तो दोनों कोई एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों इक्वल है और दोनों का के अलग अलग फायदे हैं फ्रेंड। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट के लिए आराम से जा सकते हो, इसमें कोई भी शंका नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट यूजर हो, आप पहली बार ट्राई कर रहे हो तो हमेशा छोटा पैक ट्राई करो तो काफी अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन को सूट करे तो भी ठीक, नहीं करे तो फिर आपको बर्बाद होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं।
तो फ्रेंड आज आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे आगे बढ़ने में अपना योगदान दें और द प्रीताज फैमिली को आप बढ़ाएं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ ब्यूटी, फैशन और सेल्फ केयरिंग, इन सब से रिलेटेड कुछ भी एक वीडियो साथ लेकर आऊँगी। फ्रेंड मेरे चैनल पर आपको ब्यूटी से, फैशन से, सेल्फ केयरिंग से रिलेटेड ही सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।